आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर हमारे पास भिन्ने दी गई हो तो भिन्नों का गुणा हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। आप समझिए, हमारे पास कुछ इस तरीके से एक संख्या लिखी गई है a अपॉन में b। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, a हमारा क्या है, अंश है, और अगर हम b की बात करें तो b हमारा क्या होता है, हर होता है। एक भिन्न क्या होती है, अंश बटे में हर। अब आप समझिए, जैसे अगर हमारे पास दो भिन्ने दी गई हैं, एक भिन्न इस तरीके से है a अपॉन बी, दूसरी भिन्न इस तरीके से है c अपॉन डी। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस चिन्ह को आप देख करके बताइए, एक गुणा का चिन्ह है, इसको इससे हम गुणा करने वाले हैं। ठीक है, अब भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, इसके लिए स्टूडेंट आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है। क्या बात आप ध्यान में रखोगे, कि जब हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। याद हो गई बात। अब बताइए, अंश कौन है ए, हर हर कौन है बी, इसमें अंश है सी, हर है डी। तो क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में, यानी कि ए गुणे सी करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, ए गुणे सी, ए गुणे में सी बटे में क्या होगा, बी गुणे डी। हो गया हमारा भिन्नों का गुणा, ए सी बटे में बी डी। ठीक है, समझ गए बात। चले एक और आपको करके दिखाते हैं। अगर हमें दिया है ए अपॉन बी गुणे में सी अपॉन डी गुणे में ई अपॉन एफ, तो कैसे गुणा करोगे, वही बात आपको ध्यान रखनी है। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ए गुणे सी गुणे में ई बटे में बी गुणे डी गुणे में एफ इज इक्वल टू ए सी बटे में बी डी एफ। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसी तरीके से कितने भी पद हो सबका गुणा आप कर सकते हैं। ठीक है, बात को ध्यान में रखना है, अंश का गुणा आप अंश में करोगे और हर का गुणा हर में। चलिए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करके उसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सॉल्व करिए आप इसको। अंश में क्या है, वन है, अंश में क्या है, टू है, तो वन को आप टू से मल्टीप्लाई करिए, बटे में आप टू को थ्री से मल्टीप्लाई करिए, तो एक गुणे दो करोगे दो हो जाएगा, दो गुणे तीन करोगे कितना हो जाएगा, छह। लेकिन हम यहां पर छह नहीं लिखेंगे, देखिए दो से दो हमारा कट जाएगा, हमारे पास पास आ जाएगा एक बटे में तीन। हमने इसको सरल करके लिख दिया है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए अंश का गुणा अंश में क्या हो जाएगा, चार गुणे तीन गुणे दो, लिखिए चार गुणे में तीन गुणे में दो बटे में हो जाएगा पांच गुणे पांच गुणे में पांच, चार तिया बारह दूनी चौबीस बटे में पांच पचे पच्चीस पंचे 125, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आप यहां पर देखिए क्या लिखोगे, अंश का गुणा अंश में, तो अंश में क्या है, तीन गुणे में चार गुणे में नौ बटे में आठ गुणे में पांच गुणे में तीन। देखिए अगर हमारे पास भिन्न है तो भिन्न में क्या करते हैं, अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से भाग कर सकते हैं, ये बात आपको पता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो तीन है इस तीन से कट जाएगा, चार को देखिए चार एक के चार, चार दूनी आठ, हमारे पास क्या बचा, यहां पर एक गुणे नौ बचा है, लिख दीजिए, यहां पर दो गुणे पांच बचा है इसको भी लिख दीजिए। आ क्या गया, एक गुणे नौ करेंगे तो नौ आ गया, दो गुणे पांच करेंगे दस आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक स्टूडेंट, हमने यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद सरल भी कर दिया है। एक ऐसी भिन्न सरलीकरण, सरल भिन्न, भिन्न आपकी सरल हो गई, इसको आप कैसे समझोगे, अगर हमारे पास कोई भिन्न है ए और बी, ए और बी में वन के अतिरिक्त और कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, बात समझ गए, वन के अतिरिक्त और कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, तो इस केस में जो हमारी भिन्न होती है वो क्या होती है, सरल होती है। ऐसे 9/10 में देखिए वन के अतिरिक्त आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। चलिए यहां पर आप ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करोगे, देखिए भिन्न अंश का गुणा अंश में, तीन गुणे बारह करोगे
इस तरीके से हो गया 12 × 3 कर दीजिए, देखिए 3 × 1 = 3, 3 से कट गया, 12 से 12 कट गया, हमारे पास क्या आ गया 1 × 1, यहाँ पर 1 × 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, हमारे पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए आप ध्यान से, अंश का गुणा अंश में, अब आप कहोगे इसमें हमारा अंश कौन है, कौन सा है, देखिए आपको भयभीत नहीं होना, आपको डरना नहीं है, अगर इस तरीके से संख्या लिखी गई है इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 के रूप में, 2/1 का मतलब 2 ही होता है, अगर इस तरीके से लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, 8/1 का मतलब 8 ही होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं 2/1 अंश का गुणा अंश में, 2 × 3 / 1 × 2 करोगे, देखिए गुणे के साथ है यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 3/1 और 3/1 का मान क्या होता है 3 ही होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपको एक अलग ही तरीके से संख्या दिख रही है, ए वाली संख्या, ए हमारी कैसी संख्या है, ये जो भिन्न आप देख रहे हो ये हमारी मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न कहलाती है। अगर आपके पास कोई एक ऐसी भिन्न है जिसका जो अंश है वो बड़ा है हर से, बात को ध्यान से सुन लीजिए, जो अंश है वो बड़ा है हर से, तो इस केस में जो हमारी भिन्न होती है उसको मिश्रित भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आपको चेंज करके दिखा देते हैं, ये हमारा हो ही गया है, यहाँ पर चेंज करके दिखाते हैं। हमने क्या कहा, हमारे पास कोई एक ऐसी भिन्न है जिसका अंश बड़ा है हर से, ठीक है, अंश बड़ा रख रहे हैं किससे, हर से बड़ा है ना, तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आपको सिखा दे, देखिए 70 या इसका मतलब क्या है कि आप 8 से 17 में भाग दे रहे हो, तो आप 8 से 17 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 8 × 2 = 16, 2 बार गया, 1 शेषफल बच गया, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, 2 सही जो भागफल होता है, यहां पर भागफल लिखते हैं भागफल, और यहां पर लिखेंगे शेषफल, बटे में हमारा भाजक होता है, हम लोग भाजक लिखते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारा भाज्य होता है आप जानते ही हैं, लिख लीजिए ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाजक होता है, इसे हम लोग भागफल कहते हैं, और यहां पर ये जो बचता है इसे क्या कहते हैं, शेषफल, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए, अब अगर किसी संख्या को, किसी भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, भागफल सही में होता है और जो शेषफल बटे भाजक होता है, ठीक है। अब यहां पर ऐसे हमारे पास 17/8 है, तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले भागफल लिखेंगे, भागफल देखिए क्या आया है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 सही, शेषफल क्या है 1, 1 हो गया, बटे में क्या लिखेंगे 8, तो 2 सही 1/8। अब यहां पर जो हमारा 17/8 है इसको हमने मिश्रित भिन्न के रूप में चेंज कर दिया है। अब आप इस मिश्रित भिन्न को चाह रहे हो हम भिन्न के रूप में चेंज कर दे, तो कैसे करोगे, यहां पर ये जो भाजक है, भाजक को आप मल्टीप्लाई करोगे भागफल से, इसको भी लिख लीजिए, जैसे आपके पास कोई मिश्रित भिन्न है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है। अब देखिए ये जो आपका भागफल है, भागफल को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, भाजक से, और क्या जोड़ोगे, शेषफल, ठीक है, और बटे में आप क्या लिखोगे, ये जो आपका भाजक है, देखिए लिख दीजिए इसी तरीके से हमारा जो भागफल कितना है 2 है, गुणे में भाजक कितना है देखिए 8 है, 2 × 8 शेषफल, बटे में भाजक कितना है 8 है, 8 × 16 = 17/8, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, तो ए इसके साथ समझिए आपको एडिशनल जानकारी हमने दे दी। चलिए अब आप लोग यहां पर समझिए, 6 है, 6 को लिख सकते हैं 6/1 गुणे में, इसको इससे गुणा करते हैं तो 3 × 4 = 12, 1 = 13 हो जाएगा, बटे में 3, मल्टीप्लाई करिए, दो भिन्नों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, अंश क्या है 6 है, तो 6 गुणे में 13
बटे में एक गुणे तीन, देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और यहाँ पर 2 × 13 है, 2 × 13 का मतलब 2 × 13 = 26, और यहाँ पर क्या बचा है एक, ठीक है यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आप लोग कर ले जाओगे 3 × 4 = 12, 2 × 24 बटे में 3 × 4 = 12, 1 × 13 = 4, ठीक है सॉल्व करिए। देखिए अंश का गुणा अंश में, तो 24 × 13 करोगे बटे में 3 × 4, समझ गए। चलिए आगे देखिए, यहां पर लिखिए 24 × 13, 3 × 4 = 12, ठीक है 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, और 2 × 13 करोगे कितना हो जाएगा 26, समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, अंश का गुणा अंश में, तो 3 × 7 करेंगे, हर का गुणा हर में, तो 10 × 15 करेंगे। अब आपको पता है 3 से अगर 15 को काटेंगे तो कट जाएगा, काट दीजिए 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो अंश में क्या बचा है 1 × 7 बटे में 10 × 5, तो 10 × 5 = 50, 1 × 7 का मतलब 7 बटे में 50, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नीचे हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चन हैं, हम लोग इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए अंश का गुणा अंश में, 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 3 × 7 करेंगे 3 × 7 = 21, यही आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए अंश का गुणा अंश में, तो 3 × 1 करेंगे, 4 × 3, और 3 × 3 से कट गया, हमारे पास आ गया 1/4, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 2/5 × 1/6 अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, क्या आ जाएगा 1 × 1 का मतलब 1, 5 × 3 का मतलब 15, 5 × 3 = 15, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरीके से हमने आज की क्लास में आपको सिखाया कि अगर हमारे पास भिन्ने दी गई हो तो भिन्नों का गुणा भिन्नों के साथ कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।